दमोह जिले की पथरिया नगर पालिका में लंबे समय से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज यहाँ की CMO ज्योति सुनहरे ने SP ऑफिस पहुंचकर एडिशनल SP संदीप मिश्रा से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्वयं की परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष भतीजे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुमनाम काल के जरिए नगर पालिका अध्यक्ष भतीजे आशीष विश्वकर्मा के द्वारा जान से मारने की धमकी देने के साथ ही उनकी बेटी को लेकर तरह तरह के आपत्तिजनक भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे वह काफी दहशत में तथा काम करने में अपने आप को असमर्थ पा रही हैं। ऐसे में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग उनके द्वारा की गई है। अभी कुछ मतलब कुछ समय से पथरिया नगर परिषद में काफी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। मेरे विरुद्ध काफी झूठी और मनगढ़ंत मतलब की प्रकाशन किया जा रहा है खबरों का, और उसी तारतम्य में आज मैं अपने प्रशासनिक दायित्व को निर्वहन करने के लिए यहाँ पथरिया से दमोह आई हुई थी आदर्श महाविद्यालय के लिए प्रशिक्षण हेतु। अभी 11:30 के आसपास जो अध्यक्ष जी के भतीजे हैं सोनू उर्फ आशीष विश्वकर्मा, उसके द्वारा अननोन नंबर से कॉल किया गया और बहुत ही अवध एवं गंदी गंदी गालियाँ दी गई मुझे, और मुझ तक तो छोड़िए मेरी 6 साल की बच्ची का भी वर्ष का उल्लेख करते हुए अटेम्प्ट टू रेप की बात की है। क्या नाम लिखती हैं आप? मैं ज्योति सुनहरे, CMO पथरिया। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने इतनी गलत सोच मेरे प्रति बना रखी है, जिस व्यक्ति मेरे लिए इतना गलत कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और साथ ही अध्यक्ष जी का जो मतलब कि रिश्तेदारी होने के कारण वो इतना बढ़ रहे हैं कि जो मैं आगे, तो दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जिनके द्वारा आपको धमकी दी गई उनका नाम? सोनू और फाशी विश्वकर्मा, जो अध्यक्ष जी के भतीजे। कहाँ की घटना ये? ये घटना उसने फोन से मुझे दी हुई है। मैं उस समय आदर्श महाविद्यालय दमोह में उपस्थित थी अपने कर्तव्यों के लिए। सर, आज पथरिया से एक ही व्यक्ति के द्वारा दो मामले आए हुए हैं, सर क्या है पूरा मामला? ये सोनू लोहार और वापसी विश्वकर्मा के द्वारा CMO नगर पालिका की जो CMO है श्री ज्योति सुनहरे, उनको फ़ोन पे बहुत अभद्र और अश्लील शब्दों का संबंध में बदतमीजी किया है। ये उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है, और इसमें बहुत ही गंभीर आरोपी लगाए हैं। जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके संबंध में चूँकि हमने तत्काल CSP कोतवाली को जांच सौंपी है, क्योंकि घटनास्थल दमोह देहात क्षेत्र का है, उसमें CSP कोतवाली तो उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे।